इसको बहुत अच्छे से मर्ज करना है इस तरह से, और इसकी ब्लेंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ में इसको शार्प बनाना बहुत ज़रूरी है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सोना मेकओवर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और आई मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि बहुत ही प्यारा है, फुल कट क्रीज आई मेकअप है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल ओवर लिड पर जो है हम जो एक कंसीलर होता है उसे अप्लाई कर देंगे। तो मैं आईब्रोज के नीचे और ऊपर दोनों साइड बहुत अच्छे तरीके से जो है कंसीलर लगा लूँगी। तो आप जब हैवी आई मेकअप करते हो तो मेक श्योर कि आप पहले आई मेकअप करें, क्योंकि आई मेकअप जो हैवी होते हैं उनमें फॉल आउट वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आई शेडोज़ के, ठीक है। तो ये आई मेकअप आप जो है मतलब किसी मुस्लिम ब्राइड पे दे सकते हो, हैवी लुक में अगर कोई डिमांड करे तो दे सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हैं ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करेंगे, और इसके बाद में पाउडर से ना इसको सेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अगर पाउडर से कंसीलर को सेट करते हैं तो आई शेडोज़ का जो ऑरिजिनल कलर होता है वो उभर के नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को जो है डिफाइन करूँगी अपनी, मतलब यार क्लाइंट की थोड़ा सा जो है बोलने में हो जाता है मिस्टेक, तो इस तरीके से डिफाइन करूँगी। अब देखिए, आई मेकअप जब हैवी है तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आईब्रोज़ भी आप मतलब हैवी फिल करें, बट इस तरीके से करें कि नेचुरल लगे, ठीक है। तो जिस तरह का आई मेकअप होता है उसी तरह से आपको आईब्रोज़ का जो है शेप है वो देना होता है। अब इसके बाद मैं एक पिंक कलर का शेड लूँगी, मतलब रानी कलर का शेड लूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड। तो कलर की चेंजिंग जो है आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैं जस्ट ऐसे ही मतलब आप लोग के लिए वीडियो बना रही थी, तो मेरे को मतलब जो मिला वो कलर मैंने ले लिया, ठीक है। इसको जो है हम अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करेंगे। जो क्रीज लाइन वाला जो आई मेकअप का फुल ट्यूटोरियल है वो मैंने अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम आउटर कॉर्नर से देखेंगे हम ना हमें मतलब ये जो विंग है कितना मतलब अप रखना है, कितना डाउन रखना है, ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। और छोटे छोटे ब्रश से छोटे छोटे स्ट्रोक में काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जितना हो सके पतले ब्रशेस के साथ आप ये चीज़ करोगे ना तो परफेक्टली बनेगा ये वाले आई मेकअप ना। मतलब कई लोग मतलब देख के ही नहीं करते कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप मतलब हो पाएगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इसको ऊपर से थोड़ा सा डाउन करके और ऐसे अप करना है, एक हमें वी क्रिएट करना है, ठीक है। इसके बाद जेल लाइनर को पूरा इसमें भर देंगे और अंदर की तरफ जो है थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए ले जाएंगे। तो जेल लाइनर का यूज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लिक्विड लाइनर का नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो है मैं एक छोटे ब्रश में ब्लैक कलर का आई शेडो लेकर और इस तरीके से इसको ब्लेंड 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 करके इनर कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे लेते हुए आऊँगी, और ताकि जो यहाँ पर ना जहाँ पर ये ब्लैक कलर एंड हो रहा है यहाँ पर एक हार्श लाइन ना बने और ये अच्छे से ब्लेंड होकर मतलब एक की शेडिंग आ जाए वहाँ पे, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप कि जैसे मैंने पाउडर लिया मतलब ब्लैक कलर का शेडो लिया तो वहाँ पे हल्की सी ब्लेंडिंग अच्छे से काफ़ी अच्छे से हो गई। अब देखिए, मैं एक सिमर शेड लूँगी गोल्डन कलर का, तो आपको मतलब कलर की जो है आप चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर इनर कॉर्नर पे मैं क्या करूँगी, फुल कट क्रीज जो है बनाऊँगी एक कंसीलर से, ठीक है, इस तरीके से। तो कंसीलर मैं यहाँ पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं जो प्रोडक्ट लगाऊँगी ताकि वो और अच्छे से उभर के आ जाए। तो इस तरीके से फुल कट क्रीज मैंने बना दी है कंसीलर की हेल्प से। और गाइज, ये वाले आई मेकअप ऐसे होते हैं कि मतलब ब्राइड अगर डिमांड करे तो आप ब्राइड के दे सकते हो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि नहीं दे सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनर कॉर्नर पर और लाइट शेड अप्लाई करेंगे, और इस तरीके से देख सकते हो आप जैसे जैसे आई मेकअप कम्प्लीट हो रहा है वैसे वैसे वो और अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम क्या करेंगे, देख सकते हो आप, है ना, बीच बीच में ऐसे चेक कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आउटर कॉर्नर थोड़ा सा लाइट हो गया सिमर लगाने के बाद, तो मैं उसे और डार्क कर दूंगी। और इसके बाद जो है इसमें जो है लिक्विड जो शेडोज होते हैं या फिर आप बना भी सकते हो, जैसे आपके पास ग्लिटर है ना तो ग्लिटर में आप थोड़ा सा ड्यूरा लाइन मिला के और इस तरीके से इसको जेल फॉर्म में बना सकते हो। तो मैंने भी गाइज वही किया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ऊपर इसको फिल कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मतलब बहुत बारीक काम होता है ये और काफ़ी क्लीन हैंड से करना होता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस के साथ करोगे तो आपका आई मेकअप बहुत ही परफेक्ट आएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो अगर आपको ये आई मेकअप मतलब
थोड़ा 10% भी अच्छा लग रहा है ना, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मतलब इस आई मेकअप का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, ठीक है। और मतलब अगर आपको ना आई मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता, जैसे क्रीज लाइन क्या होती है, टियर डक्ट क्या होता है, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, तो उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट दोनों में दे दूंगी, आप जाके एक बार देख लेना। अगर आपने एक बार देख ली ना तो आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो है मैं एक पतला सा लाइनर लगाऊंगी और ये मैं लगाऊंगी लिक्विड लाइनर लगाऊंगी मैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत पतले पतले तरीके से लगाऊंगी मैं ये, और इनर कॉर्नर की साइड थोड़ा सा बाहर निकालूंगी जो कि हमारा टियर डक्ट वाला पार्ट होता है, और इसको देख सकते हो आप। आउटर कॉर्नर पे जो हमारा ब्लैक शेडिंग है ना वो थोड़ा सा मतलब लाइट हो गई, तो मैं उसे इसकी हेल्प से थोड़ा सा डार्क लाइन बनाऊंगी। तो ऐसा आई मेकअप ना मतलब जैसे अरेबिक आई मेकअप टाइप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। किसी पाकिस्तानी ब्राइड के आप आराम से कर सकते हो, देख सकते हो। फिर मैंने आउटर कॉर्नर को भी थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है। मतलब ये जो आउटर कॉर्नर है ना, यही तो यार इसका लुक है सारा का सारा, तो इसको हम कहते हल्का होने दे सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कितना परफेक्ट विंग बना है गाइज, बहुत सुंदर, ठीक है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं जो है आई लेसेस लगाऊंगी, और आई लेसेस लगाते ही मतलब आई मेकअप में तो चार चांद लग जाते हैं। तो देख सकते हो इस तरीके से आईलेसेस लग चुकी हैं, और अभी मैं पता क्या करूँगी, अभी मैं इस आईब्रो को थोड़ा सा और डार्क करूँगी। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि आईब्रोज बहुत हल्की हैं, तो चलिए आईब्रोज भी यहाँ पे हो चुकी हैं डार्क। और देखो डार्क करने के बाद ना आईब्रोज जो है कितनी अच्छी लग रही है ना, पहले लाइट लाइट लग रही थी। अब हम क्या करेंगे, जेल लाइनर लेंगे और उसको जो है हम अपनी लोअर लैश लाइन में अच्छा खासा मोटा मोटा लगा देंगे, क्योंकि अरेबिक आई मेकअप है यार, काजल तो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो है मैं पहले फॉल्स और ओरिजिनल आईलेसेस को जो है मिक्स कर देती हूँ, ताकि उनके बीच में गैप ना लगे, और जो हमारी मॉडल है उनको भी मतलब बहुत भारी भारी हैवी हैवी ना लगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आई शेडो लेकर इस तरीके से इसको मर्ज कर दूँगी, मतलब जो जेल लाइनर लगाया था ना एज अ काजल, तो उसको और पाउडर आई शेडो को बाहर की तरफ मर्ज करते हुए लाएंगे, अच्छे से शेडिंग क्रिएट करेंगे, मतलब मोटा काजल जिसको बोलते हैं स्मज काजल, ठीक है। तो देख सकते हो काजल लगते ही कितना सुंदर रिजल्ट आ गया, और ऊपर जो पिंक कलर का शेड लिया था ना उसी को ब्रश में लेके हल्का हल्का इस तरीके से बाहर की तरफ जो है इसको मर्ज कर दिया। तो देख सकते हो यार जैसे ही मतलब ये काजल की मर्जिंग हो गई तो आई मेकअप बहुत सुंदर लग रहा है। और एक बार मैं जो है इस टियर डक्ट को फिर से क्रिएट करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि टियर डक्ट नहीं, अभी थोड़ा और बनना चाहिए टियर डक्ट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके आई मेकअप को बहुत सुंदर बनाती हैं, और प्रैक्टिस तो गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो देख सकते हो टियर डक्ट के क्रिएट होते ही जो हमारा आई मेकअप है तो बहुत सुंदर लगेगा। और देख सकते हो आप इस वाले आई मेकअप में ये टियर डक्ट का इस चार चांद लगा रहा है। और आउटर कॉर्नर को मैं एक बार फिर से जो है एकदम क्लियर लाइन दूंगी, ताकि ये बहुत अच्छा लगे, बहुत सुंदर लगे। तो देख सकते हो आप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये आई मेकअप कैसा लगा, और जो है अगला आई मेकअप मैं आपके लिए मतलब कौन सा सूट करूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो आई मेकअप की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपको नहीं आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।